हेलो दोस्तों, आपका हमारा इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन कितने टाइप्स का होता है, उसके मीडियम्स क्या क्या होते हैं, यानी किसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कौन कौन से मीडियम होते हैं, और ब्लॉक डायग्राम के जरिए कैसे समझ सकते हैं, आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे। मॉड्यूलेशन क्या होता है और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, ये आज के हमारे टॉपिक हैं। तो इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी, जितने भी कलीग्स हैं, वो भी इस नॉलेज को गेन कर सकें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। देखिए, व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन है क्या। यहाँ पे तीन डेफिनेशंस दी हुई हैं, उन्हें देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू अनोदर पर्सन और प्लेस। किसी भी इंफॉर्मेशन का एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, ठीक है, वो क्या होता है, कम्युनिकेशन। ठीक, या हम कह सकते हैं कन्वे ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन। या फिर हम कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल, ठीक है, दो या दो से ज्यादा बंदों के बीच, ठीक है, पीपल के बीच कनेक्शन होना। ठीक, कनेक्शन किस तरह का, अगर हम बातचीत कर रहे हैं, जैसे आप फोन पे भी देखते होंगे, फोन पे आप बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन का एक मीडियम बन जाता है। मीडियम क्या होता है उसमें, एयर। एयर के थ्रू हम क्या करते हैं, अगर हम मोबाइल फोन से बात करते हैं तो मीडियम हमारा क्या हो जाता है उसमें, एयर। वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। ठीक, कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, वो देख सकते हैं। थ्री टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या है, हाफ डुप्लेक्स क्या है और फुल डुप्लेक्स क्या है, वो हम एक एक करके जान लेते हैं। देखिए, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ये तीन तरह के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है, सिंप्लेक्स क्या होता है, वैन सेंडर सेंड इंफॉर्मेशन टू अनोदर पर्सन, जब एक बंदा दूसरे बंदे को क्या करता है, इंफॉर्मेशन भेजता है। हु इज कॉल्ड रिसीवर, जो रिसीवर कहलाता है। जैसे मैं किसी को इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ तो मैं क्या हुआ, सेंडर, और दूसरा बंदा जिसको मैं इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ वो क्या होगा, रिसीवर। ठीक है, वो क्या करेगा, सिर्फ रिसीव कर सकता है इंफॉर्मेशन को, वापस मुझे नहीं भेज सकता। वो क्या करेगा, सिर्फ रिसीव करेगा, ठीक है, रिसीव करने का काम करेगा और मैं सेंड करने का काम करूंगा। ठीक है, मैं रिसीवर नहीं बन सकता और वो सेंडर नहीं बन सकता। ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है, वापस नहीं आ सकती, तो वो क्या कहलाती है, सिंप्लेक्स। जैसे कि आप इस डायग्राम के जरिए देख सकते हैं, सेंडर क्या कर रहा है, सिर्फ यहाँ इंफॉर्मेशन को रिसीवर को दे रहा है, यानी वो इंफॉर्मेशन वापस सेंडर को नहीं भेज सकता। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल भी, जैसे टीवी में आप वहां से, टीवी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, टीवी में कोई भी इंफॉर्मेशन दे नहीं सकते। रेडियो से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, रेडियो के अंदर आप कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो। ठीक, हाफ डुप्लेक्स देख लेते हैं। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, सेंडर सेंड इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर, दिस टाइम रिसीवर ओनली कैन रिसीव। ठीक है, सेंडर ने सेंडर रिसीवर को इंफॉर्मेशन भेजी, उसने रिसीव कर ली। ठीक है, ये एक काम हुआ। ठीक है, सेंडर ने सेंडर रिसीवर को भेजी, उसने रिसीव कर ली, एक टाइम पे एक काम हुआ। अब क्या होगा, रिसीवर जो होगा वो सेंडर का काम करेगा और जो सेंडर था वो रिसीवर का काम करेगा। ठीक है, यानी अब रिसीवर सेंडर बनेगा, वो इन्फॉर्मेशन भेजेगा, जो पहले सेंडर था उसको वो किसका काम करेगा, रिसीवर का। यानी इसमें इन्फॉर्मेशन पहले जाएगी, उसके बाद जब सेंडर साइलेंट हो जाएगा उसके बाद जो रिसीवर होगा वो सेंड करेगा। जैसे कि आप इससे डायग्राम के जरिए समझ सकते हैं, देखिए, सेंडर ने पहले क्या करा, इन्फॉर्मेशन रिसीवर को दे दी। ठीक, इन्फॉर्मेशन रिसीवर को दे दी, यानी रिसीवर वापस एक साथ नहीं भेज सकता। अब क्या करेगा, रिसीवर सेंडर का काम करेगा और जो सेंडर था वो रिसीवर का काम करेगा, यानी सेंडर अब इन्फॉर्मेशन भेजेगा रिसीवर को। ठीक, रिसीवर क्या करेगा, फिर उसे रिसीव कर लेगा, इस तरीके से। यानी एक टाइम पे एक ही काम होता है इसमें। ठीक, तो इसे बोलते हैं हम हाफ डुप्लेक्स। जैसे कि आप वॉकी टॉकी देखते होंगे, पुलिस वैन जो होती है उनमें लगी रहती है,
एक जब पुलिस वाला सुन रहा होता है तो दूसरा बंदा बोल रहा होता है उस पर, और जब पुलिस वाला गाड़ी में देखते होंगे आप वो बोलते हैं तो दूसरा बंदा सिर्फ सुनता है, एक टाइम पे दो काम नहीं हो सकते उसमें, ठीक है। फुल डुप्लेक्सर क्या होता है देख लेते हैं, इट इज टू वे कम्युनिकेशन। ये क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, यानी सेंडर भी सेंड कर सकता है, रिसीवर भी सेंड कर सकता है अपनी इंफॉर्मेशन को, ठीक। यानी इट इज टू वे कम्युनिकेशन मीन्स बोथ कैन सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन एट ए टाइम, यानी एक ही टाइम पर दोनों बंदे ही रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। डायग्राम के जरिए जान लेते हैं, देख लिए। फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल मोबाइल फोन होता है, आप सेल फोन जो आप बातचीत करते हैं, आप रिसीव भी करते रहते हैं और क्या करते हैं, आप बोल भी सकते हैं, यानी इंफॉर्मेशन को भेज भी सकते हैं। देखिए सेंडर रिसीवर का भी काम करता है, सेंडर का भी, और ये भी दूसरा बंदा क्या करेगा, रिसीवर का भी काम करेगा और सेंडर का भी, यानी इंफॉर्मेशन दोनों बंदों के बीच में एक ही टाइम पे जा सकती है, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए कम्युनिकेशन थ्रू किस किस के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, देख ले यहाँ पे देख लीजिए। कम्युनिकेशन थ्रू वायर्स, वायर्स के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे लैंडलाइन फोन आप देखते होंगे उनके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हैं, लैंडलाइन फोन घरों में लगे रहते हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आप जैसे कहीं पे खड़े रहते हैं आपस में बात करते हैं, दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं या कहीं पर ज्यादा बंदे हैं तो मीटिंग होती है उनमें कम्युनिकेशन होता है, वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, बिना मीडियम के कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, ठीक। कम्युनिकेशन थ्रू रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स के थ्रू भी हमारा कम्युनिकेशन होता है, सैटेलाइट के थ्रू भी हमारा कम्युनिकेशन होता है, ठीक। कम्युनिकेशन थ्रू माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के थ्रू भी हमारा कम्युनिकेशन होता है, और इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं उनके थ्रू भी, वेव्स जो होती हैं हमारी उनके थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है, और ऑप्टिकल फाइबर केबल जो जमीन के नीचे बिछाई जाती है, समुद्रों में भी बिछी हुई है, ठीक है, उनके थ्रू क्या होता है आपका कम्युनिकेशन होता है। इसका ब्लॉक डायग्राम हम देख लेते हैं, देखिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है, देखिए जो आप बोलते हैं वो कैसे एक केबल के जरिए दूसरे बंदे तक पहुंच जाती है, या कैसे हवा में उड़कर दूसरे बंदे तक पहुंच जाती है, ठीक। किस तरीके से उनके लिए अलग अलग कम्युनिकेशन होते हैं, उनका मीडियम अलग अलग होता है, हम इसे जान लेते हैं आज। इन्फॉर्मेशन देखिए, सबसे पहले हमारा इनपुट होगा, इनपुट में हमारी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आप भेजना चाहते हैं। उसके बाद ट्रांसड्यूसर होगा, ठीक है, एनालॉग टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर। उसके बाद क्या होता है हमारा मॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर क्या होता है या ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इनकी वर्किंग क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक। फिलहाल डायग्राम के बारे में हम देख लेते हैं, मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर के बाद चैनल होता है जो एम्पलीफायर होता है, जो नॉइज एंड डिस्टोर्शन जिसमें ऐड हो जाती है उनको एम्पलीफाई करता है, ठीक। उसके बाद डीमॉड्यूलेटर लगा होता है, डीमॉड्यूलेटर के बाद क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिकल टू एनालॉग कन्वर्टर रहता है, ठीक है। यानी जैसी हमने इन्फॉर्मेशन भेजी उसी टाइप में हमें इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करके यहाँ पे मिल जाती है, उस किसके रूप में, आउटपुट के रूप। अब बात करते हैं मॉड्यूलेशन की, मॉड्यूलेशन क्या होता है देख लीजिए, चेंज इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर सिग्नल, जो हमारा कैरियर सिग्नल होता है उसके करेक्टरिस्टिक्स में चेंज होना, अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेशन सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो हमारा होता है वो इनपुट सिग्नल होता है, यानी जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल का चेंज हो जाना, चेंजेस किस में होंगे, फ्रीक्वेंसी में होंगे, फेस में होंगे या एम्पलीट्यूड, इनमें से किसी भी चीज़ में अगर चेंज होता है तो वो कहलाता है मॉड्यूलेशन, किसके अकॉर्डिंग, यानी इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग, ठीक। अब बात करते हैं डीमॉड्यूलेशन की, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ए बेस बैंड सिग्नल, यानी बेस बैंड सिग्नल यानी इनपुट इन्फॉर्मेशन जो थी हमारी उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना किससे, मॉड्यूलेटेड सिग्नल से, जो हमारा सिग्नल मॉड्यूलेटेड हो गया था उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है, यानी मैसेज जो था हमारा उसे दोबारा से वापस पा लेना, ठीक, वो क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, डीमॉड्यूलेशन या डिटेक्शन। तो आज हमारी वीडियो में इतना ही, इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में, कलीग्स में शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।